हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दादा दादी बन के नहीं आए, अभी माँ बाप बन के आए हैं। अच्छा। चार बहू का मैरिज एनिवर्सरी मनाना। अच्छा तो जी, आज है हमारी एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी को लेकर के जो हम लोग जा रहे हैं मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेने के लिए। जी अभी बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली और बाबू जो है वह भी निकलेगा हमारे साथ, वह भी चलेगा मंदिर, माता के दर्शन करेगा। तो हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया। हम लोग एक बार गए थे पूर्णिया के पूरन देवी मंदिर और बहुत दिन हो गया वहां गया हुआ, तो फिर आज हम लोग वहां चलेंगे और जितना मंदिर हो सकेगा वहां पर जाएंगे और सभी का आशीर्वाद लेंगे। और शाम में सेलिब्रेशन का भी प्लान है, तो शाम में सेलिब्रेट भी करेंगे। और इस बार हम लोग जो है घर में नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने बुक कर लिया एक रेस्टोरेंट, वहीं पर जो है सारा सेलिब्रेशन होगा। क्योंकि घर का जो भी झंझट है इस बार खत्म करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पार्टी तो घर में कर लेते हैं, पार्टी के बाद जो दिक्कत आती है कि सब कुछ की सफाई करो, सब कुछ को अरेंज करो, ये करो, क्योंकि वो सारा झंझट खत्म करते हैं और सीधा चलेंगे रेस्टोरेंट। तो मोनू भी आ चुका है और मोनू का जो है अभी क्लास चल रहा है, वरना कह रहे थे ये भी चल लेता, अच्छा रहता। मेरा क्लास तो सुबह से लेकर के रात तक चलते रहता है। मेरा तो सुबह ही कम्प्लीट हो जाता है। अच्छा, तुम्हारा सुबह ही कम्प्लीट हो जाता है। रेगुलर क्लास लगा देते हैं, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग का क्लास लगने लगता है। अच्छा। एमसीक्यू का क्लास लगने लगता है, क्या करे कोई नहीं, लेकिन रात में चलना है, समय निकल के। अच्छा। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है बिनोमो। ये जो है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, मतलब कि यह बिल्कुल लीगल और जेन्यून है। आप जो है घर बैठे यहाँ पर डेली इनकम कर सकती हो 1500 से लेकर डेली 30,000 तक। और तो और यहाँ पर जो है टूर्नामेंट भी चल रही होती है, जैसा कि अभी चल रहा है 16 जून से 1 जुलाई तक, जिसमें जो है विनर्स को आईफोन मिलता है। बस आपको करना क्या है, रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना है और अपने चांसेस बढ़ाने हैं आईफोन जीतने के। बस आपको 20 ट्रांजेक्शन ओपन करनी है विद द अमाउंट ऑफ ₹300। यहाँ पर एसेट अमाउंट रेट विन कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है। पहले 3 आईफोन 23 जून को दिए जाएंगे, बाकी के 4 आईफोन 1 जुलाई को। विनर विल बी डिटरमाइंड बाय रैंडम नंबर जनरेटर एंड वीडियो विल बी पोस्टेड ऑन बिनोमो। मैंने लिंक डाल दिया है जी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर से जाकर के आप करके डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप अलग अलग एसेट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि हो गया गोल्ड, हो गया फॉरेन करेंसी, इसमें आ जाता है जी US डॉलर और यूरो। ऐप को यूज करना जी बहुत ही आसान है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऐप को यूज कैसे करना है। यहाँ पर आपको एसेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको देखना है कि आपका फॉरकास्ट ऊपर जाएगा या नीचे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ₹700 ट्रेड अपर, देखते हैं मेरा फॉरकास्ट जो है सही होता है कि नहीं। और ये देखिए ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, और हाँ जी मैं जीत गया। जीते हुए अमाउंट को आप जो है बैंक में या पेटीएम में 24 घंटे में विड्रॉल कर सकते हैं। और हाँ, आपको ध्यान रहे यहाँ आपको लॉस भी हो सकता है, तो ध्यान से आप यहाँ पर मिनिमम ₹350 से जो है ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपका जो अमाउंट है डबल हो जाएगा, यानी कि 350 से सीधा ₹700। तो जी देरी किस बात का, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जो है ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरी लिंक से ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ₹65,000 मिल जाएंगे डेमो अकाउंट में, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप, क्रिएट एन अकाउंट, मेक ए फर्स्ट डिपॉजिट विद बोनस प्रोमो कोड एंड विन एन आईफोन फॉर योर ट्रेड्स। और यहाँ पर जो है बवा भी हमारा तैयार है, सारा कपड़ा भी बिखरा हुआ है, सबको अभी हम लोग अरेंज करके रख देंगे। बवा सो रहा है, अच्छा उसको सोने ही देते हैं। जिया भी वहाँ हो चुकी है तैयार, जिया चले कपड़ा ले लो, बस एक ही सेट ले लो। तो अब चलते हैं जी, सीधा चल करके जो है गाड़ी ले आते हैं। पहले तो सोचा था कि फील्ड में ही गाड़ी लगी हुई है, वहीं लेकर के चल जाते हैं, लेकिन बउआ को सबसे बाहर ले जाना भी सही नहीं लग रहा। शुक्र है कि यहाँ पर अभी ज्यादा बाइक नहीं लगा हुआ है, बस एक बाइक लगा हुआ है, तो टर्निंग में कोई दिक्कत होगी नहीं। और एक अच्छी खबर है कि मौसम बड़ा साफ है, अभी धूप नहीं है ज्यादा और लग रहा है कि लखन थोड़ा बारिश का है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक बारिश होगी तब तक यहाँ से हम लोग निकल लेंगे मंदिर के पास। चलिए जी गाड़ी तो लेती आए, अब जल्दी से जाकर के जिया सबको बुला लेते हैं। जिया चलना, बहुत भी चलेगा बाहर घूमने के लिए, रो रहा है क्या अभी? सो के उठा है, ले लो इसको। चलो तो बाबा का पहला ट्रिप होगा, छोटा सा ट्रिप। वैसे आज देख रहे होंगे मोनू जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है, अपने भांजा के साथ पहले ट्रिप पर है। तो मोनू कहा कि आज ब्लॉगिंग हम करेंगे, तो कहे कि करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार अपने भांजा लाल के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मेरा भांजा लाल का पहला ट्रिप है। हाँ, वो भी जा रहे हैं मंदिर, एकदम समझो तीर्थ स्थल हो गया, तीर्थ स्थल बढ़िया जगह से इसका ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। तो लंबा जाएगा, बहुत दूर दूर जाएगा, हम लोग को भी साथ लेके जाएगा। अभी आप घुमाइए तब आपको घुमाएगा, ये वीडियो देखिएगा बाद में, बाद में देखिएगा। मेरा पहला ट्रिप था, कौन गया था। तो अभी गाड़ी को रोके हुए हैं जी, तो हम लोग को गाड़ी का पोल्यूशन बनवाना है। अब गाड़ी का जो है अच्छा खासा समय भी हो गया है, अभी तक पोल्यूशन बनवाया नहीं था, लेकिन अब जो है बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि 5 मिनट में तो बन जाएगा, तो गाड़ी लगाए हुए है अंदर में, हम लोग बैठे हुए है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। पोल्यूशन तो निकलवा लिया जी, उसके बाद ले लिया है कुछ मिठाई, मंदिर जा रहे हैं, दो मंदिर जाना है तो दो मंदिर के लिए अलग अलग मिठाई ले लिया है, दो वैरायटी का मिठाई, चलते हैं फिर।
ले लिए? हाँ ले लिया। बेटा मजे में सोया हुआ है, जग गया। ओहो, उसको भी मजा आ रहा है राइड में। एसी बंद हो गया था ना, उसको गर्मी लग रहा था। अच्छा, तो जग गया। आए हैं मजे, पकड़ के रखे हैं। कभी बीच रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं जी, तो पी रहे हैं गन्ने का जूस। ना भी जूस रहता है जी, सबसे अच्छा हमें लगता है गन्ने का जूस ही लगता है। दाम भी कम रहता है, मजा भी भरपूर देता है। चीफ एंड बेस्ट। जी आप ही अपना पी रही है, बहुत दिनों से गन्ना का जूस पी नहीं थी। नहीं, तो आप पियो और मंगा देते हैं एक गिलास। नहीं फर्स्ट क्लास शॉपिंग मॉल है यहाँ पर। अच्छा, आते वक्त घुस जाइएगा जी। पूर्णिया तो पहुंच गए हैं, बस अब कुछ ही दूर पर है पूरन देवी मंदिर। तो रास्ता हमें अभी तो उतना ध्यान है नहीं, लेकिन मैप लगा रखा है, मैप है ही, पहुंच जाएंगे। लेकिन मैप भी जो है थोड़ा यहाँ गलत बताता है, तो लोकल से पूछ पूछ के हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पूरन देवी मंदिर जी पहुंच चुके हैं, तो सीधा वहां जाते हैं, गाड़ी को लगा लेते हैं। अब बवा भी आराम से अपने मामा के गोद में सो रहा है, कुछ देर पहले ही सो करके उठा था, लग रहा था कि मंदिर पहुंच पाएंगे कि नहीं, कि बीच में गाड़ी रोकना पड़ेगा, लेकिन सो गए आराम से। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच गए पूरन देवी के मंदिर। जिया भी है साथ में और बवा भी है साथ में। बवा तो आराम से सो रहा है, तो अब चलते हैं, लगता है कि पूजा आराम से करने दे देगा ये। गए जी हमारी पूजा महापूरन देवी मंदिर में, और काफी अच्छा लगा। और जब हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे, तो एक बहुत ही गलत चीज हुआ है, आपको वह रील की वीडियो में दिखेगा इंस्टा के, उसे होगा तो संभव यहाँ भी डाल देंगे। हम लोग बस खड़े रहे जोड़ करके, और फूल जो है नीचे गिर गया, तो लग रहा जो भी हम मांग रहे थे वो पूरा हो गया है। देखते हैं क्या होता है, बाकी चलते हैं। हम एक और मंदिर है यहाँ पर, काली मंदिर, वहाँ भी हमें जाना है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वहाँ चलते हैं। शाम में पार्टी भी है, वहाँ भी जाना है। यहाँ पे हम लोग आज की पूजा करके, वो आगे बैठा हुआ है मामा के पास। तो हम लोग पहुंच गए जी काली मंदिर, और काली मंदिर का यह जो लोकेशन है जी, बहुत ही शानदार लोकेशन है। पीछे देख सकते हैं पुल है, नीचे है नदी, और सामने है काली मंदिर। तो आप ज्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा चलते हैं अंदर, जा करके पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर का नजारा भी जी बहुत ही खूबसूरत सा है, अभी आपको दिखाते हैं। चल रहे हैं सीधा कटिहार, और वहीं जा करके सोच रहे पेट पूजा करेंगे, वरना रास्ते में कुछ अच्छा मिल गया तो वहीं पर खा लेंगे। सुबह से जो आए हैं हम जिया और मोलू, तो सकता है थोड़ा कुछ नाश्ता किया है, हम लोग बिल्कुल भूखे आए हुए हैं, तो जा करके कुछ खाएंगे वहाँ। घर जा ही रही थी तो रास्ते में मिलकर यहाँ फर्स्ट क्राई का शोरूम, जहाँ से हम लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। आज बेटू की फर्स्ट शॉपिंग होगी, है ना बेटू? तो कहीं उसके लिए कुछ ले लिया जाए यहाँ से, मुझे भी बहुत कपड़े इसको फिट नहीं आ रहे, उम्मीद करते यहाँ मिल जाएगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कड़ा के नहाने के लिए इसके ऊपर भी नेट रखने के लिए आता है क्या? तो कपड़ा हाँ तो गया, इस टाइप को सेट करना, ये देखो आराम से लेट जाएगा। हाँ, गोदी में ना आता है, एक बार टब उसमें तो आता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, इस पे सर आ जाएगा, सर आ जाएगा। सीधा रहिए सीधा रहिए, इसको पकड़ के सर। हाँ ठीक है ठीक है। बड़ा होगा तब ऑर्डर करेगा। ये थोड़ा ऊंचा है, हम तो कहते हैं कि सेट करके देखो तो
ज्यादा हो रहा है वो तो अंजा को देख सकते हैं कितना आराम में है दोनों सीट को गिरा दिया है क्या बेटू क्या पूर्णिया से फाइनली जी घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच करके जो है हो गए हैं तैयार तो देख सकते हैं बताइए कैसा लग रहा है यार और जिया भी अंदर तैयार हो रही है और बाकी मोनू भी तैयार हो चुका है पापा तैयार हो रहे हैं रितु तैयार हो रही है मम्मी तैयार हो रही है तो उन सभी के तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं और रेस्टोरेंट जो है बुक हो चुका है वहां से जो है वीडियो भी मंगवा लिए हैं देख रहे थे कि डेकोरेशन उन्होंने अच्छा किया है कि नहीं तो हां डेकोरेशन तो हमें तो लग रहा अच्छा किया है बाकी आप लोग वीडियो देखिएगा आप लोग बताइएगा कैसा लगा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जिया भी यहां पर हो चुकी है जी तैयार और हमारा बौआ का जो है नींद भी इसका कपड़ा चेंज कर दिया गया अब ये जगह रहता तो शायद इतनी आसानी से चेंज नहीं कर देता पूरा गहरे नींद में तो इसका सारा सामान सब ले लिया जाए दूध तो मोलू भी आ चुके हैं बौआ को जो है गोद में लिया जाए और सीधा चलते हैं अच्छा डायपर रख रहे हैं पॉकेट में कोई उस बैग में रख लो सारा सामान कोई दिक्कत नहीं हम लोग निकल रहे हैं तो बाकी सभी लोग जी निकल रहे हैं मोलू है इधर और आगे में मम्मी जिया और रितु सभी लोग आगे जा रहे हैं पापा इधर जो है घर में ताला लगा रहे हैं ऊपर नीचे पूरा लॉक करना है जाहिर सी बात है जी चोरों को मौका ना मिले कि अपना हाथ साफ कर लेंगे तो चोरों से भी सावधान रहना है तो सभी लोग पहुंच गए हैं जी रेस्टोरेंट के पास गाड़ी यहां पर पार्क कर दिया है तो सीधा चलते हैं अंदर तो ये है जी जगह जिसको हमने बुक किया हुआ है और देख सकते हैं यहां का डेकोरेशन आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा एक बार आप अच्छे से दादी बन के नहीं आए अभी माँ बाप बन के आए हैं चार बहू का मैरिज एनिवर्सरी मनाने यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं जी हमारा बाबू भी है साथ में अच्छा बाबू चलते नहीं उठ पाते कोई बात नहीं गाड़ी पकड़ लिए हैं तो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ जो है मोमबत्ती पिघलता जा रहा है और वह मोम जो है केक में चला जाएगा तो स्टार्ट करते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर जीजा जी एंड दीदी थैंक यू सो मच यार दादा केक है ही नहीं जैसा कि अपने पिछले ब्लॉग में देखा था तो बाकी केक हमें खा लेते हैं यहाँ पर जो है सभी का केक आया हुआ है तो सभी मिल करके वहाँ पर खा रहे हैं खाना तो ऑर्डर कर दिया गया है जी और अभी फिलहाल आया हुआ है केक तो सभी लोग यहाँ पर केक खा रहे हैं केक खाने के बाद आएगा जो भी स्टार्टर है उसके बाद मेन कोर्स पर आएंगे सभी यहाँ पर बाबू जो है आराम से जगा हुआ है खेल रहा है अपनी दादी के साथ और यहाँ पर जो हमारा आ गया है खाना तो जिया और रितु अपना ले रहे हैं हमारा भी तो यहाँ पर जितने भी है वेजिटेरियन है और वहाँ पर जितने भी है नॉन वेज वाले हैं सारे लॉलीपॉप चल रहे हैं चलो खाओ तो स्टार्टर जो है सभी ने जो है खा लिया है अब मेन कोर्स का इंतजार है तो आएगा जब मेन कोर्स देखा जाएगा पाठ हो भगवान का ध्यान हो इसलिए तुम जितना पोषण में आदमी को बुला सको हम इसके पक्ष में हमेशा है जहाँ तक खाने पीने के लिए है फायदा बात है तो आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग बाहरी की तो माँ का कहना है कि यह जो भी इंतजाम है माँ को यहीं पर अच्छा लगा है खाने का डेकोरेशन का सब कुछ का क्योंकि इसकी वजह से जो है होता क्या है कि जब हम लोग पार्टी तो कर लेते हैं फिर पार्टी करने के बाद जो सफाई करना होता है तो माँ कहती है वो चीज नहीं करना है आके बस एंजॉय करो खाके अपने घर चले जाओ सो जाओ ऐसा है कुछ पूजा घर में होना चाहिए उससे सुख शांति होता है पूजा हमेशा घर में करेंगे पार्टी हमेशा अच्छा अभी तो हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं अगर ईश्वर की दया रही तो अगला बार और लोग और क्रियांश जो है अभी आराम से दादी के पास सोया हुआ है एक समय आएगा जब यह सभी का आराम करेगा फिर पापा ये चाहिए पापा वो चाहिए दादी से कहेगा दादी ये चाहिए वो चाहिए जैसे मेरी एक होती है ना बोलिए अगर तुम लोग पैसा हमको नहीं दोगे तो ऐसा मर जाओ जो लाली है अब वो बड़ी हो गई है बहुत बड़ी हो गई है इंजीनियरिंग कर रही है एनालियर में बड़ी हो गई उसके बचपन को जब मैं याद करती हूँ हम लोग को बोल रहे थे पैसा दो हम बोले कि जो लेना है वो खरीद लो हम पैसा आप नहीं दें अच्छा बोलिए ऐसा दादा दादी मर गया दोनों चिकन राइटर है चिकन हांडी और चिकन
काफी देर इंतजार करने के बाद लगभग लगता है कि 45 मिनट जरूर इंतजार किए होंगे और हमारा यहाँ आ गया मेन कोर्स, सभी लोग खाते हैं। One hour later. तो फाइनली जी हमारा यहाँ पर जो है भोजन पानी हो गया है और सभी लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। तो सभी लोग जो है देखे करके गाड़ी में बैठ रहे हैं, बस जिया के आने के इंतजार है और डैडी के, तो डैडी बैठेंगे फिर चलते हैं यहाँ से।